नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। भारत सरकार ने अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। जिम व योग सेंटर के संचालक को सरकार ने छूट दे दी है। जानकारी देते हुए करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर भारत सरकार ने 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक के लिए अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जारी की है, जिसके तहत जिले के सभी स्कूल, कॉलेज तथा कोचिंग सेंटर जैसे सभी शिक्षण संस्थान पूर्णतः बंद रहेंगे। अनलॉक 3 की हिदायतों के अनुसार सिनेमा हॉल तथा स्विमिंग पूल के संचालक पर भी रोक लगाई गई है, जबकि 5 अगस्त से जिम व योगा सेंटर के संचालन के लिए सरकार ने छूट दे दी है और इनके संचालन के लिए कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए विशेष सावधानियां बरतने के भी निर्देश दिए हैं। उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार के हिदायतों के अनुसार ढाबे व रेस्टोरेंट के संचालन व खाद्य पदार्थों की होम डिलीवरी के लिए समय रात्रि 9 बजे तक का रहेगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। उपायुक्त ने अनलॉक 3 की गाइडलाइन के अनुसार राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त मनाने के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन जिला स्तर, उपमंडल स्तर तथा पंचायत स्तर पर किया जाएगा और इस पर्व को मनाने में हम कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सभी जरूरी एहतियात बरतेंगे। कार्यक्रम में सभी प्रतिभागी, अधिकारी व कर्मचारी मास्क लगाकर शामिल होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा और हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए संक्रमण से बचाव के सभी उपाय किए जाएंगे। उपायुक्त ने अपील की कि स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होने वाले सभी लोग कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए जा रहे निर्देशों का अवश्य पालन करें। उपायुक्त ने जिला प्रशासन द्वारा कंटेनमेंट जोन से संबंधित क्षेत्रों के संबंध में बताते हुए कहा कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने जिले के कोरोना वायरस से संक्रमित केसों के बारे में बताते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच चुका है, जबकि जिले का रिकवरी रेट लगभग 70% है और 30% केस एक्टिव हैं। प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की है कि वायरस के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए प्रशासन द्वारा दी जा रही हिदायतों का पालन करें। करनाल से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। आप सबको मेरा नमस्कार। आज 1 अगस्त से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपसे शेयर करूंगा। साथियों, जैसा आप सबको पता है कि अनलॉक 3 आज से शुरू हो रहा है और ये 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक चलेगा और इससे रिलेटेड केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय भारत सरकार ने कुछ इम्पोर्टेंट हिदायतें इस दौरान जो इस पूरे महीने लागू रहेंगी उनको जारी किए हैं और अकॉर्डिंगली करनाल जिला प्रशासन ने भी वो इंस्ट्रक्शंस हमारे सभी अधिकारियों को हमने दे दी हैं और उनमें से जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगा। तो एक तो ये कि जो अनलॉक 3 है वो 1 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक चलेगा। कुछ चीज़ें इसमें बिल्कुल पूरी तरह से प्रोहिबिटेड हैं, यानी बिल्कुल निषिद्ध हैं, बिल्कुल बंद रहेंगी। स्कूल, जैसे स्कूल, कॉलेजेस वगैरह और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोचिंग सेंटर्स हों, चाहे कोई और किसी भी तरह के जो एजुकेशन प्रोवाइड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं, ये पूर्णतया बंद रहेंगे। 31 अगस्त तक पूर्णतया बंद रहेंगे। आगे इन पे फिर फैसला आगे के अनलॉक 4 में लिया जाएगा। इसी प्रकार से जो सिनेमा हॉल्स हैं और जो स्विमिंग पूल्स हैं वो भी बंद रहेंगे। वो पहले भी बंद थे, इसी प्रकार से आगे भी बंद चलते रहेंगे। जो योगा सेंटर्स हैं और जो जिम हैं इनको सरकार ने खोलने का फैसला लिया है। तो ये योगा सेंटर्स और जिम जो हैं वो 5 अगस्त से खुलेंगे और जो इनकी SOP है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके तहत ये जिम्स खोले जाएंगे, ये फिर आने वाले समय में प्रशासन आपसे शेयर करेगा कि किन किन बातों का उनको ध्यान रखना होगा। सो महत्वपूर्ण बात जो पिछले अनलॉक 2 से जो एक डिफरेंस है वो ये है कि योगा सेंटर्स और जो जिम हैं वो 5 अगस्त से खुल जाएंगे। जैसा आप सबको मालूम है कि इंडिपेंडेंस डे फंक्शन जो हमारा 15 अगस्त को होता है वो भी अभी नज़दीक आ रहा है, तो जो हमारा स्वाधीनता दिवस का जो फंक्शन है वो हर बार की तरह बड़े हर्षोल्लास के साथ इस साल भी जिला स्तर पे, उपमंडल स्तर पे, पंचायत स्तर पे मनाया जाएगा। लेकिन चूंकि इस बार हम साथ ही साथ कोरोना की लड़ाई भी लड़ रहे हैं,
तो कुछ चीज़ों का प्रिकॉशंस का हमको ध्यान रखना होगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि गैदरिंग जो है, लोगों की जो जमावट है वो कम से कम होने दें उसमें, और जो भी प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क लगाना, हैंड सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इन सभी गाइडलाइंस का भी स्वाधीनता दिवस प्रोग्राम्स में उसका हम पालन करेंगे। मेरी आप सभी से अपील है कि आप भी अगर इन तरह के फंक्शंस में शारीरिक रूप से फिजिकली शरीक होते हैं, भाग लेते हैं, तो इन चीज़ों का पालन करें। हालांकि एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण है कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं, जहाँ केसेस प्रशासन ने जिनको कंटेनमेंट जोन की तरह डिक्लेयर किया है, वहाँ पे अभी भी पहले की तरह लॉकडाउन पूरा का पूरा लागू रहेगा। उसमें कोई भी ढील सरकार ने अभी नहीं दी है। जो होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सब का, ढाबे, इनका जो टाइमिंग 9 बजे तक का रखा गया था, और जो होम डिलीवरी का समय भी 9 बजे तक का रखा गया था, ये अभी भी इसी प्रकार से चलेगा। जब तक कि राज्य सरकार की तरफ से कोई फर्दर गाइडलाइंस नहीं आती, तब तक प्रशासन ने यह फैसला लिया है कि ये इसी प्रकार से अब तक रखा जाए। साथियों, करनाल में कोरोना के केसेस की संख्या 1,000 से पार हो गई है। राहत की बात यह है कि जो हमारी रिकवरी रेट है वो अच्छी है, लगभग 70% इसमें जो पेशेंट्स हैं वो ऑलरेडी ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं, और जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो लगभग सिर्फ 30% ही है। लेकिन चूंकि कोरोना के केसेस डेली बड़ी संख्या में आ रहे हैं, और ये हम सब के लिए एक चिंता की बात है, इसलिए मैं एक बार फिर से दोहराना चाहूंगा कि जो कोरोना से हैंडल करने के 3 मुख्य उपाय हैं, एक तो मास्क लगाना, एक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, और एक समय समय पे हाथ सैनिटाइज करते रहना। ये तीनों चीज़ें आप जरूर इनका पालन करें। प्रशासन आपको 24 घंटे हर तरह की सुविधा देने के लिए तत्पर है। आप सब लोगों ने पूरे पिछले लॉकडाउन पीरियड में, कोरोना काल में, प्रशासन की बहुत अच्छी तरीके से मदद की है, और मुझे उम्मीद है कि आप आगे ही भी इसी प्रकार से हमारी सहायता करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.